78 एक सही आदमी का है, तो टेक इट अराउंड फिगर 75, ठीक है। आपका लंग्स का क्या फ्रीक्वेंसी है? एक मिनट में आप कितनी बार सांस लेते छोड़ते हैं? 15 से 18 बार, 15 रख लो, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है तो आपके फेफड़े जो है वो ऐसे ऐसे चलते हैं ना, सांस ले रहे हैं, एक मिनट में कितनी बार? 15 बार। लेकिन यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी घुस गई है? 3000 की। तो अब फेफड़ा जिस कंडीशन में है, जहाँ भी है, वो वहीं पर वाइब्रेट करेगा, पूरी तरह ना स्क्वीज होगा ना फैलेगा, ये ऐसे ही। और कितनी देर तक रहेगा डिपेंड करता है, उसके बाद सीज, फिर नहीं चलेगा। वैसे आपका हार्ट है, हार्ट एक मसल है, इसका अपना भी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिससे इसको 2 to 3 माइक्रो एम्पियर का इम्पल्स मिलता है। जब कभी भी हमारे मसल में करंट लगता है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है ना एकदम, तो जब भी इसको इम्पल्स मिलती है तो ये स्क्वीज करता है, जो इसमें ब्लड होता है वो पंप आउट होता है, फिर जब रिलैक्स करता है तो दोबारा ब्लड आता है, फिर इम्पल्स आती है, फिर स्क्वीज करता है तो ब्लड निकलता है, ऐसे करके चलता है उस इलेक्ट्रिकल नोड से, ठीक है। अब वो 2 to 3 माइक्रो एम्पियर का करंट है, और ये करंट कितना है? 50 मिली एम्पियर, उससे बहुत ज़्यादा। तो और हार्ट का फ्रीक्वेंसी कितना है? 75। ये फ्रीक्वेंसी कितना है? 3000। तो हार्ट पूरी तरह ना स्क्वीज होगा ना रिलैक्स होगा, एक ही जगह वाइब्रेट करेगा, और कुछ देर तक करेगा, उसके बाद रुक जाएगा। तो हार्ट भी रुक गया, चेस्ट भी हीविंग मतलब लंग्स का फंक्शन भी रुक गया, तो पल्स बीट तो मिलेगी नहीं आपको फिर। ये होता है एक अनकॉन्शियस स्टेज, अभी डेथ नहीं हुई है, ठीक है, ये अनकॉन्शियस स्टेज है। इस स्टेज में अगर CPR मिल जाए तो आदमी बच सकता है, ठीक है। अगर CPR नहीं मिला तो अगले 5 मिनट के अंदर अंदर ब्रेन डेथ हो जाएगा, देन बॉडी डेथ, ठीक है। तो 50 मिली एम्पियर का करंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतना तो है कि 3 सेकंड के लिए गुजर गया तो फाइब्रिलेशन हो जाता है। ये जो एक्शन हुआ ना हमारे फेफड़े और हार्ट के साथ, इसको बोलते हैं फाइब्रिलेशन। और इससे जब CPR देते हैं तो इसके लिए एक डिफाइब्रिलेटर इक्विपमेंट होता है, प्रेस की तरह जो लगाते हैं तो झटका लगता है, शॉक लगाते हैं ना, वो इसलिए लगाते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रिकल नोड है हार्ट का वो चालू हो जाए। हार्ट एक बार पंप कर गया तो वो चालू हो जाएगा फिर, ठीक है। तो डिफाइब्रिलेटर तो दिल्ली में मेट्रो स्टेशन पर रखे हुए हैं, हर तीसरे चौथे स्टेशन के ऊपर है, हैं क्या बोलता है? ऑटोमेटिक, हाँ जो भी है, अच्छा।